ड्रामे में अब जूबी के साथ वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। जूबी के घर वाले उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे उसने कत्ल कर दिया है। अगर जूबी ने गलती की है, वो घर से भाग गई थी, तो इस सब के लिए उसे घर वालों ने ही मजबूर किया था। अगर घर वालों ने बात समझी होती तो साइम के रिश्ता मांगने के बाद हाँ कर देते। घर वालों को भी ये बात समझनी चाहिए थी कि आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। उधर दानियाल खुद ही जज बना हुआ है, हर फैसला अपनी मर्जी से करना चाहता है, खुद को शायद फरिश्ता समझता है। किस किस को दानियाल पर गुस्सा आता है कमेंट पे लाजमी बताइएगा। जबकि उधर जूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा यहाँ वो रह सके। अब खाला की बेटी ने उसका जीना हराम कर दिया है, अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही साइम के पास जा सकती है। अगर वो साइम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और उस पर शक ना करती तो हो सकता आज वो साइम के साथ होती, मगर कुछ घर वालों की गलती और कुछ जूबी की अपनी गलती की वजह से आज जूबी इतनी मुश्किल में है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है कमेंट में लाजमी बताइए, और मजीद ट्रामा रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए।